वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बीसीए रिवाइज टर्नमेंट एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 बीसीए 012 बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 4B को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज वर्टिसेस आर 1, 2, -2, 3 एंड -3, -4। ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3 पॉइंट्स के, राइट। आपको एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का, राइट। और ये आपका 5 मार्क्स का है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज हम मान लेते हैं ये आपका एक ट्राइंगल है, राइट। ये ए है, ये बी है, और सपोज ये आपका सी है, राइट। अच्छा, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं। 1, 2, तो ये इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए हो गए 1, 2, राइट। बी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, -2, 3, -3, -4, -2, 3 और -3, -4, राइट। -3, -4, -2, 3, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। और तो देखिए आपको इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, तो ये हो गया आपका x1, y1, राइट। ये हो गया सपोज x2, y2, और ये हो गया आपका x3, y3, राइट। और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो वो क्या होता है, वो बराबर होता है 1/2, और ये हो जाएगा आपका x1, y1 और 1, ये हो जाएगा आपका x2, y2, 1, और ये हो जाएगा आपका x3, y3 और 1, राइट। तो आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना होता है। तो देखिए अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 1/2 डिटरमिनेंट, x1 की वैल्यू क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 1। फिर x2 की वैल्यू क्या है -2, राइट, और y2 की वैल्यू क्या है 3, और ये 1 हो जाएगा। यहां पर आपका -3, -4 और ये 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं ताकि आपको 2 0 मिल जाए, राइट। आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं R1 की जगह R1 -R2 कर लीजिए, राइट, और R3 की जगह R3 -R1 कर लीजिए, राइट। आप कोई भी तो ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए R1 में ऑपरेशन परफॉर्म किया है और R3 में ऑपरेशन परफॉर्म कराया है, R2 को हम एज इट इज रखा रहने लेंगे, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं, बाहर हमारा 1/2 हो गया और ये हमारा -2, 3 और 1, सेकेंड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, R1 -R2 कर रहे हैं, तो 1 में से -2 को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, राइट। 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, राइट। यही काम आप यहाँ पर भी करेंगे। आप यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, R3 -R1, R3 की जगह कितना है -3, और -3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे, तो यानी कि आ जाएगा आपका
माइनस का 4, राइट। फिर माइनस 4 माइनस 2, तो यहां पर भी दोनों साइन माइनस के हैं, तो ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा आपका माइनस का 6, और यहां पर आपका आ जाएगा 0, राइट। 1 में से 1 0, राइट। अब आप क्या करेंगे, आप इस सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में और इस थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आपको जैसा बताया कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। तो आप इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर आपका साइन माइनस आ जाएगा, तो आप क्या कर लीजिए, माइनस 1/2, और आपका अंदर बचेगा कितना, देखिए 3 माइनस 1 और माइनस 4, और यहां पर बचेगा आपका माइनस का 6, राइट। अब आप क्या करिए, बेस इसका मल्टीप्लाई करिए, माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए, राइट। तो बाहर क्या है, माइनस का 1/2, और यहां पर क्या है, 3 × −6, तो जब 3 का −6 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18, राइट। और देखिए −4 का जब −1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर वाला साइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस में, तो ये माइनस में ही रहेगा, तो 4 × 4, माइनस का 4 आ जाएगा आपका, राइट। अब −18 और −4 हो जाएगा आपका माइनस का 22, राइट। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपका आ गया −1/2, और अंदर आ गया आपका −22, राइट। क्योंकि साइन बाहर भी माइनस का है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस 22/2, 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। ये आपका आंसर हो गया है। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।